अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आपसे भाई का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग हमारे प्यारे भाई। अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब का लेटेस्ट न्यू अपडेट, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंडिया से सऊदी आने के लिए न्यू वीज़ा का काम शुरू है। न्यू वीज़ा लगा करके अगर आप इंडिया से सऊदी आने के लिए सोच रहे हैं तो कितने पैसे आपको खर्चा होगा, किस तरीके से आपको ट्रैवल वाला अभी भेजेगा, कौन कौन सा आपको प्रोसेस देगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की अभी आपको ज़रूरी पड़ सकती है, फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर ही देखिएगा ताकि आपको पूरी बात की जानकारी सही और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, फिर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे हमारे तरफ से हमारे प्यारे भाई। चले सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब का कोरोना का अपडेट, जो कि 31 अगस्त तक अपडेट है। आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर 224 न्यू केस निकले हैं, 338 रिकवरी हुई है और 6 लोगों की सऊदी अरब के अंदर मौत हुआ है। सबसे ज़्यादा केसेस रियाद में 73 केसेस, मक्का में 34 केसेस, ईस्टर्न में 20 केसेस। आप देख सकते हैं अलकसीम में जो कि 16 केसेस, जीजान में जो कि 15 केसेस, नजरान में खास तौर पर आप देख सकते हैं 13 केसेस, असर में 12 केसेस, मदीना में 12 केसेस, अल जौफ में 7 केसेस और हायल में 6 केसेस, नॉर्दर्न बॉर्डर में भी 6 केसेस, ताबुक में 5 केसेस, अलबहा में भी 5 केसेस। एक्टिव केस देख सकते हैं सऊदी अरब में कितनी सारी बची हैं, 3054 जो कि एक्टिव केस अब सऊदी में बची हैं। जी हाँ मेरे भाई, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आईसीयू में जो रखा गया उनको भी आप देख सकते हैं, 907 लोगों को आईसीयू में रखा गया। खैर इनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले 6-7 दिन से सऊदी अरब में खैर अल्हम्दुलिल्लाह 300 से नीचे ही कोरोना का केस आ रहा है। कोरोना को लेकर के सऊदी अरब के अंदर बहुत ही अच्छी अपडेट देखने और सुनने के लिए मिल रहा, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इसी के साथ दूसरी भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो कि इसका भी स्क्रीनशॉट मैं लगा दिया हूँ। खैर यूएई का गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी अपडेट जारी किया है 15 देशों के लोगों के लिए, खासतौर पर इसमें जो बताया गया भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेशी के लिए। इसमें बहुत ही अच्छा नियम लागू किया है। कौन सा नियम, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो कि यूए यानी दुबई से जो कि अपने मुल्कों में आए हैं, यानी नेपाल में आए हैं या बांग्लादेश में आए हैं या कहीं पर भी अगर आप लोग आकर के फंसे हैं, तो यूए का गवर्नमेंट ने ये कहा है 1 सितंबर के बाद से आप यूए में किसी टाइम भी जो कि आ सकते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, जो लोग जो कि दुबई में काम करते हैं, दुबई से आकर के अपने मुल्कों में फंसे हैं, 1 सितंबर के बाद से आप किसी टाइम भी आप दुबई में जाकर के अपना काम पर वापस जा सकते हैं, इसमें टेंशन की कोई भी बात नहीं है। जी हाँ मेरे भाई। चलिए इसी का साथ दूसरी अपडेट की भी आपके साथ मैं शेयर कर दूं, जैसे कि न्यू वीज़ा के बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल था और न्यू वीज़ा का काम शुरू भी हो गया है। दिल्ली में, मुंबई में, बहुत सारे जगह इंडिया से जो कि न्यू वीज़ा का काम शुरू हो गया। ट्रैवल वाले बताते हैं अगर आपको न्यू वीज़ा लगा करके जो कि अगर जाना है, पहली बात सबसे पहले आपको किसी भी ट्रैवल वाले से जो कि कांटेक्ट करना है, जा करके आपको उनसे मिलना है, ट्रैवल वाले से आपको पूरी बात की जानकारी आपको लेना है, किस तरीके से आपको जो कि इंडिया से सऊदी भेजेगा। अभी एक ही रास्ता है, अगर आप न्यू वीज़ा लगा करके जो कि इंडिया से सऊदी आने के लिए सोच रहे हैं, पहली बात आपको इंडिया में कोरोना का दोनों वैक्सीन लगाना होगा, दोनों वैक्सीन लगा करके आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ट्रैवल वाले से अगर कांटेक्ट करते हैं, उनके पास अगर जाते हैं, वो आपको बताएगा कि भाई हाँ इंडिया से सऊदी आपको हम भेज देंगे, किसी दूसरे देश में आपको 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद आपको भेजेंगे हम न्यू वीज़ा लगा करके। जी हाँ मेरे भाई, न्यू वीज़ा का काम खासतौर करके चालू है। न्यू वीज़ा लगा करके आप इंडिया से सऊदी 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद जो कि आप पहुंच सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको ट्रैवल वाले से सब चीज़ की जानकारी बहुत ही अच्छे से आपको लेना होगा, क्योंकि ट्रैवल वाला इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। इसके वजह से मैं आपको इत्तला कर देता हूं, आप किसी भी ट्रैवल वाले से अगर काम कराते हैं तो पूरी डिटेल उनसे आपको लेना है, उनके बाद फिर आपको पैसे देंगे। पैसे अगर आप उनको अगर देते हैं, कितने पैसे आपको लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, 1,40,000 से 50,000 रुपये आपको न्यू वीज़ा लगा करके जो कि इंडिया से सऊदी अरब में आपको भेजेगा मेरे भाई। जी हाँ, इससे कम में जो अगर भेजेगा तो फिर समझिए आपके साथ कोई फ्रॉड करेगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री से आपको वाया होकर के अगर भेजेंगे तो इससे कम में कोई भी आपको मान लो नहीं भेज सकता है, जो कि आपको अगर ज़रूरी है जाना तो इंडिया से सऊदी आप इसी ही तरीके से आपको कोई भी ट्रैवल वाला भेजेगा 1,40,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, इसी ही तरीके से जो कि आपको सऊदी अरब में जो कि भेजेगा, कोई भी दिक्कत खैर इंशाल्लाह नहीं होगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग गए हैं, एक दो दोस्तों से हमारा कॉन्टैक्ट भी हुई है जो कि न्यू वीज़ा लगा करके हम सऊदी अरब में आ गए हैं, लेकिन 14 दिन हमें क्वारंटाइन होना पड़ा, उसके बाद PCR टेस्ट, बहुत सारे इसमें सिस्टम वो लोग करेंगे, आपको 1,40,000-50,000 रुपये इस तरीके से आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फिर जो भी झमेला होगा वो खुद जलेगा।
तो इसी ही तरीके से आपको ट्रैवल वाले से बात करना होगा। कोई भी ट्रैवल वाले से अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो बिल्कुल ही क्लियर करके आप सब चीज़ फाइलन करके बात कीजिएगा। और पैसे खास तौर पर आपको पहले देना ही नहीं है, आपको जब काम जब समझिए तो हो जाएगा, फिर अपना हिसाब से अगर पैसे अगर देते हैं आप फंसेंगे भी नहीं और परेशान भी नहीं होंगे। जी हाँ मेरे भाई, तो आज का वीडियो खास तौर पर यहीं तक था। जितने सारे लोग कमेंट कर रहे थे न्यू वीज़ा का क्या होगा, तो इसी ही तरीके से आप जो कि न्यू वीज़ा लगा करके जा सकते हैं मेरे भाई। तो खैर उम्मीद होगा मेरे भाई आपको सारा बात डिटेल से मैं समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का एक लाइक और एक कमेंट जरूर ही करें।